हुजूर, ये पहला सवाल एक दोस्त ने डेनमार्क से भिजवाया है। उसने किसने? एक दोस्त। एक दोस्त ने कहा है आपने? जी जी। और कुरान मजीद की इस आयत से ताल्लुक रखते हैं जिसके अल्फाज ये हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, यतवारा मिनल कौमे मिन सुए मा बुशर बिही अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित्तुराब अला सा मा यहकुमून। इसका तर्जमा तफसीर सगीर में इस तरह दिया गया है कि जिस बात की उसे खबर दी गई है उसकी मज़ूमा शनात के बायस वो लोगों से छुपता फिरता है और सोचता है कि आया वो उसे पेश आने वाली ज़िल्लत के बावजूद ज़िंदा रहने दे या उसे मिट्टी में गाड़ दे। सुनो, जो राय वो कायम करते हैं बहुत बुरी है। वो पूछना चाहते हैं कि लफ्ज़ जो शनात का इस्तेमाल किया गया है इसकी तफसील क्या है? वाज़ह नहीं है। शनात की तफसील क्या होनी है? शनात बुराई को कहते हैं जी। मज़ूमा बुराई जिसमें ऐसी चीज़ जिससे किसी इंसान के लिए कोई शर्मिंदगी हो, कोई काबिल शर्म बात, कोई बदी शास्त हो, तो मज़ूमा से मुराद मुस्लिम मौत की है कि कुरान करीम ये तस्लीम नहीं कर रहा कि औरतों का पैदा होना कोई बुरी बात है लड़कियों का, बल्कि ये फरमा रहा है कि चूँकि अरबों में ये गुमान किया जाता था कि लड़कियाँ बद होती हैं, इसलिए उनके साथ उनकी एक बुराई वाबस्ता हो गई जिससे वो शर्म खाते थे, एक झूठी झूठी शर्म, और जो अपनी तरफ से ज़्यादा गलतमंद बनते थे वो उनको ज़िंदा दरगोर भी कर दिया करते थे। तो ये आम मारूफ चीज़ है, इसमें तो किसी तशरीह की ज़रूरत नहीं है। कोई उन्होंने वाज़ह नहीं किया क्यों उनको इसमें कुछ उलझन पैदा हो गई है। सिर्फ इतने लिखा है लफ्ज़ शनात के मानी। शनात तो उर्दू के लफ्ज़ है मगर नस्बतन कम इस्तेमाल होने वाला है तो अरबी से आया हुआ लफ्ज़, लेकिन मतलब है कि उर्दू में मुस्तमल है। जी। सुनाइए।